हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर। मैं हूँ काजल। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मिट्टी फाड़कर पैदा हुए हिंदू, ये टाइटल है वीडियो का। तो चले पहले वीडियो देख लेते हैं। जिन हिंदुओं ने मुझे कोई इसमें कहने में शर्म नहीं है, मैं एक मुसलमान हूँ, एक शिया हूँ, मेरे एंसेस्टर्स ईरान से थे, हम माइग्रेट होकर यहाँ आए, इस सरजमीन पर सजदा करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम और ये लोग यहाँ पर जिन्होंने हमें पनाह दी सुशांत जी, हिंदुओं ने मुसलमानों को पनाह दी, आप यहाँ पर ये किसने पनाह दी, हम तो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने, लेखकों ने लिखा कि ब्राह्मण जो है वो यूरेशियन है, मध्य एशिया से आया है। तो ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि भारत की मूल व्यवस्था से उसको छोड़ा जाए। भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों दुख तो तब बहुत ज्यादा होती है जब कोई वायरल होने के लिए अपने ही कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ये एक बहन जी मुस्लिम होकर भी अपने ही कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रही है, आइए देखते हैं। जिन हिंदुओं ने मुझे कोई इसमें कहने में शर्म नहीं है, मैं एक मुसलमान हूँ, एक शिया हूँ, मेरे एंसेस्टर्स ईरान से थे, हम माइग्रेट होकर यहाँ आए, इस सरजमीन पर सजदा करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम और ये लोग यहाँ पर जिन्होंने हमें पनाह दी सुशांत जी, हिंदुओं ने मुसलमानों को पनाह दी, आप यहाँ पर ये किसने पनाह दी, हम तो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास चॉइस थी, हम नहीं गए, हमें भारत पहली आजादी की बात नहीं कर रही, उसके पहले इसलिए हमने इसे चुना। ये आजादी की बात, हम किसी की बात नहीं कर रही है, इतिहास की बात कर रही है। ये जो आप बता रही है ना, अरे 47 की बात नहीं कर रही है, जिसका कोई तर्क नहीं आपके पास, 47 की बात ही नहीं कर रही, इतिहास बात किस बात को हो रही है, और आप निकल की बात किस पे कर रही है, ये मेरे तर्क, मेरे भाई ने आपसे कहा, आपको जब तक बोले मत, नहीं अरे वो 47 की बात नहीं कर रही, पहले सुन। हरे यार, मान लिया कि 1947 नहीं बल्कि और आगे की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों इसे एक बात मालूम होनी चाहिए कि हम मुस्लिम लोग 2 दिन बाद में ही सही इस भारत में आए हैं, लेकिन क्या हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग हिंदुस्तान की मिट्टी फटकर पैदा हुए थे, या ये लोग भी किसी दूसरी जगह से हिंदुस्तान को लूटने के लिए ही आए थे, आइए सच्चाई को जानते हैं। सच्चाई ये है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा लगाया गया। बिल्कुल, अंग्रेजों से पहले मुगल आए तो मुगलों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया, पर मुगलों से भी पहले भारत में भारत के बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने, लेखकों ने लिखा कि ब्राह्मण जो है वो यूरेशियन है, मध्य एशिया से आया है, यानी एक तरह से भारतीय मूल निवासी नहीं है, भारत का वंशज नहीं है, यानी ब्राह्मण भी भारत में व्यापार करने के लिए, भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को लूटने के लिए आया, एक तरह से लुटेरा, जो आज हजारों साल के बाद भी भारत के हर एक उस वर्ग पे हावी हो चुका है, या हर एक उस व्यवस्था पे हावी हो चुका है जिस व्यवस्था को आज भारतीय मूल निवासियों के पास होना चाहिए। बिल्कुल, आज सत्ता का मालिक ब्राह्मण उसका स्वाद ले रहा है, भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था का स्वाद ब्राह्मण ले रहा है, भारत की हर संस्कृति का स्वाद ब्राह्मण ले रहा है, ब्राह्मण ले रहा है। तो आज भारत का जो जागने वाला मूल निवासी है, जो जागा है, वह मूल निवासी आज उसको बैकवर्ड भी कहते हैं, आज उसको दलित भी कहते हैं, शूद्र भी कहते हैं, या भारत का मूलतः जिसका डीएनए या जिसका पूरा खून, जिसके आने वाली पीढ़ियों में जहां चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जहां सम्राट अशोक आते हैं, जहां तथागत बुद्ध आते हैं, जहां कबीर आते हैं, जहां गुरु रविदास जी आते हैं, जहां गुरु नानक आते हैं, तो इनके वंशजों ने जब एहसास करा कि भारत की मूल सभी व्यवस्थाओं पर ऊपर तो ब्राह्मण का भी जय। बिल्कुल, तो ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि भारत की मूल व्यवस्था से उसको छोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, यही असलियत है। अब आइए जानते हैं कि भारत में इस्लाम कब आया और सबसे पहले भारत में इस्लाम कबूल कौन किए थे, आइए जानते हैं। भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर कि भारत में इस्लाम कब, कैसे और कहां से आया। आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम ने दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है इस्लाम भारत में 7वीं सदी के शुरुआत में ही कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार तट से हुई, जहां पर अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ती थी।
इतिहासकार इलियट और डाउसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज देखा गया था। इसके साथ ही इतिहासकार पारा रोलिंसन अपनी किताब एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हरिदास भट्टाचार्य अपनी किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल फोर्थ में दावा करते हैं कि 7वीं सदी के अंत तक प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बस चुके थे। इन इतिहासकारों की माने तो पता चलता है इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आ गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है भारत में सबसे पहले 661 ईस्वी में लक्षद्वीप समूह पर उबेदुल्ला नाम के व्यापारी ने इस्लाम को फैलाया, जिसका प्रमाण यह दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह के एंड्रोट द्वीप पर मौजूद है। इसीलिए आज लक्षद्वीप समूह की 96% आबादी मुसलमान है। इसके साथ ही 7वीं सदी के खिलाफत उमैया के दौर के बहुत सारे सिक्के भी केरल के एर्नाकुलम जिले में पाए गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म अपनाने वाला पहला इंसान या यूं कहें कि पहला राजा कौन था और उसने इस्लाम धर्म कैसे और क्यों अपनाया। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसे ये ना पता हो कि भारत प्रारंभ में छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटा हुआ था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। उसी समय दक्षिणी भारत में भी कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। केरल, तमिलनाडु और उनके आसपास का क्षेत्र 7वीं सदी में चेर साम्राज्य या समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी की शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो और उनके 12 साथी केरल के मालाबार तट पर व्यापार करने की गर्ज से आए। उस समय भारत और अरब देशों के मध्य मसालों का व्यापार हुआ करता था। मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो के व्यापार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी देखकर चेर साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मन बहुत मुतासिर हुए और उन्हें और उनके साथियों को अपने दरबार में बुलाकर उनकी ईमानदारी और इस्लाम मजहब अपनाने की वजह पूछी। मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो ने राजा चेरामन पेरुमल को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए बताया कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगंबर है। राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? तब मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजजात के साथ उस मौजजा का भी जिक्र किया जिसमें आपने अपनी एक अंगुली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। चूँकि राजा चेरामन पेरुमल खुद भी इस मौजजा को देख चुके थे जब वे अपने बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के ज्योतिषियों और जादूगरों से चांद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों और ज्योतिषियों ने इतना जरूर बताया कि चांद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। जब इस मौजजा को राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो के लफ्जों से सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फौरन उनके साथ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम कबूल किया और उस वक्त के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह किया और साथ ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम थाजुद्दीन रखा गया था। अपने वतन वापसी पर राजा चेरामन पेरुमल का ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामन पेरुमल की कब्र और प्रसिद्ध स्मारक मौजूद है। मरने से पहले चेरामन पेरुमल ने अपने मुसलमान होने का पत्र लिखकर
उनके साथ जा रहे मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो और अपनी बीवी को दे दिया। जब ये पत्र लेकर चेरामन पेरुमल के दरबार में पहुंचे तो उनके उत्तराधिकारी ने पत्र पढ़कर मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में केरल के कुडुंगलूर जिले में मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाहु अन्हो ने भारत की पहली मस्जिद तामीर करवाई, जो चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद के नाम से आज भी केरल में मौजूद है। उसी वक्त से भारतीय और अरबी व्यापारियों में वैवाहिक संबंध बनने लगे, जिनसे एक नया समुदाय बनकर सामने आया, जिसे दक्षिणी भारत में मपिल्ला समुदाय कहा गया, जो मुसलमानों का भारत में पहला समुदाय था। वाह, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। पर मेरे ख्याल से ये जो बीच में एक शायद से बुद्धिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो बाहर से आए हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, इसे माइग्रेशन करके आए हुए हैं इंडिया पर, और उनका ही हुक्म चलता है। तो मेरे ख्याल से ये ब्राह्मण जो है वो सिर्फ अकेले हिंदू नहीं है, बाकी के जो लोग है, क्षत्रिय, शूद्र कहा जाता है उन्हें, दलित, और बहुत सारे ऐसे कास्ट है, सब कास्ट है जो हिंदू है, और हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई हिंदू है, क्योंकि उनके जात के आगे हिंदू ही लगाया जाता है। और अभी तो मतलब कोई जात पात को मानता ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को हिंदू ही कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण या कुछ भी कोई भी कास्ट वो मैटर करती है। तो और अगर ब्राह्मण आए भी होंगे तो हिंदू धर्म तो पहले से ही था। हाँ। अगर ऐसा मतलब उनको छोड़ दिया जाए ब्राह्मणों को, तो बाकी के जो है वो सभी हिंदू ही थे, और जो सिंधु नदी के तट पर रहते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था, हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है। और जो बहुत सारी ऐसी मतलब ऐसे चैनल है जो जिनके ऊपर 100% हम भरोसा कर सकते हैं, नॉलेजेबल चैनल से, उन्होंने ये बताया था कि जो सिंधु नदी के तट पर रहते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था, और ये बहुत पुराना रिवाज चल के आ रहा है। तो सभी को हिंदू उस समय ही मतलब जो दर्जा है या जो कास्ट है वो दी गई, तो इस वजह से हिंदू धर्म का नाम हिंदू पड़ा था। और जो बाकी के वीडियोस थे, दो अलग अलग वीडियोस थे, उनके ऊपर तो इतना कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने अपना मतलब फैसला होता है कि किसे क्या अपनाना है या किसे क्या राय देनी है। तो जो लड़की राय दे रही थी कि इस्लाम के बारे में कि हम यहाँ पर माइग्रेशन करके आ रहे हैं और इस ज़मीन पर सजदा करते हैं और हमें पनाह दी है, तो अगर उसे ऐसा लगता है पनाह दी है तो हम क्या कह सकते हैं। और मतलब इस्लाम इस मतलब इंडिया में कब आया, किसने पहले इस्लाम कबूल किया, ये इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे आज पता चली है कि कैसे इस्लाम का मतलब जन्म हुआ भारत में। तो नबी के वक्त ही जो है वो राजा, वो नबी के वक्त ही थे, और उन्होंने खुद अपनी आंखों से भी देखा था चांद के दो टुकड़े होते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने खुश नसीब रहे होंगे, और उन्होंने ही पहले इस्लाम कबूल किया था इंडिया में। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।